हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोक्सवैगन की पोलो 1.2 पेट्रोल इंजन। इसकी हम करने वाले टाइमिंग, और टाइमिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा। तो ठीक है, ये हमने टॉप पे ले रखी है, ये आपको दिख रही होगी, एक ब्लैक हो रखी है और एक जंग सी खा रखी है। तो इसकी जो मैन है क्रैंक की टाइमिंग, वो हमारे को यहाँ पर लॉक करनी है। अभी ये कैमरा जाएगा नहीं इधर की तरफ, ठीक है। क्रैंक सेंसर खोल के इस कूलर से हम लॉक कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको आराम से यहाँ पर लॉक कर लेंगे, अंदर की तरफ ये चला जाएगा और ये क्रैंक लॉक हो जाएगी हमारी, ठीक है। हमने केम भी यहाँ पर लॉक कर रखी है दोनों साइड की, ठीक है। ये कूलर है स्पेशल इसके, इसको हमने लॉक करके ले रखी है। और ये जो है बोल्ट, ये बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे बूटी हैंडल लगा के, तो ये वहाँ से जो है इसका कूलर है उसका जो खांचा होता है नक्का, वो टूट जाता है। तो ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि पहली बार एक बार हमारा नुकसान हो चुका है लोकल टूल से। और ये जो है इसको किस तरीके से खोलना है, ये ब्लैक हो रखी है, मैं इसमें अभी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये जो टाइमिंग बांधने से पहले आपको ये जो दोनों पुली है ये फ्री करके लेनी होती है, फ्री करके लोगे तो प्रॉपर टाइमिंग बंधेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको, ये टाइट है, हमने कोशिश पूरी कर ली है मगर ये खुला नहीं है। अब हम इसको इसकी मदद से खोलेंगे, ठीक है। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद खोलेंगे इसको। तो करते हैं इसको शुरू। तो इस तरीके से प्रॉपर गर्म करके इसको, ठीक है, पूरा गर्म कर लोगे तब इसको खोलना, आराम से खुल जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो वहाँ से नक्का टूट जाएगा और नुकसान हो जाएगा आपका। तो अब इसको चलते हैं, गर्म होने देते हैं। तो अभी ये पूरा गर्म करके ले चुके हैं, बोतल ठंडी पड़ गई बिल्कुल। पाना दे फटाफट, पाना कहाँ रख दिया यार, ये रहा दिखा, इंजन पकड़िए पंचर। खुलते ही ऐसा धुआं निकलेगा भर के, इस तरीके से ये हो चाहिए फ्री। अब इसको ठंडी होने देते हैं, अब फिर प्रॉपर इसमें टाइमिंग बांधेंगे इसकी। अब ये ठंडी होने देते हैं इसको, गर्म कितनी हो रही है, पिघल जाएगा ये। तो ये पुली दोनों ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ये भी देख सकते हो ब्लैक हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक हो गई तो ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, अभी टाइमिंग बांधना शुरू करनी है। ये दोनों लूज है, उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो बैलेंसर की टाइमिंग होती है नीचे, अगर आपके टॉप पर आ जाएगी तो ये जो दोनों बिंदु के निशान है, आपको ये बिंदु के निशान है सामने आ जाएगी, और ये टॉप पे है ये देख सकते हो। ये जो है इसको आप पीछे करके, ये वाला निशान जो है ये इस तरीके से, ये जो लाइन जा रही है बीच में ये बिल्कुल सीधे पे आएगी, ठीक है। इसको टाइट लगा लो इसमें, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर इसकी टाइमिंग बांधेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे कि टाइमिंग किस तरीके से बंधी है, और चैन ये टाइट होनी चाहिए। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं, इसकी गाइडें वगैरह लगाते हैं, एडजस्टर वगैरह लगा के लेते हैं। तो ये हम टाइमिंग बांध के ले चुके हैं, गरारी हमारी अभी फ्री है, ठीक है। हमने लूज कर रखी है गरारी, बिल्कुल लास्ट में टाइट करी जाती है। अभी मैं टाइट करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। एडजस्टर हमने लगा लिया है, चैन पहले डाल दी फिर गाइड दोनों लगा दी प्यार से, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी पूरी टाइमिंग हो चुकी है। इसके चैन पर कोई निशान नहीं होता, कोई मार्कर नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके चैन पर कोई मार्कर नहीं होता, इस तरीके से हमारी ये चैन जो है, इसको इसमें पकड़ना है, ये चैन हमारी ये टाइट हो गई है, ठीक है। ऊपर से टाइट होना चाहिए प्रॉपर, सामने से टाइट होना चाहिए, दोनों बोल्ट लूज होना चाहिए, गरारी जो है ये लूज होनी चाहिए। ये हम एडजस्टर है नीचे वाला, ठीक है, इस एडजस्टर को चटकाएंगे, प्लास ही चाहिए वाला, प्लास देना, ये हटा दो, एडजस्टर को चटका के लेंगे,
ठीक है। चैन हमारी टाइट हो चुकी है प्रॉपर, देख सकते हो आप। उसके बाद क्या करना है, दोनों पहले ये जो बोल्ट है ठीक है, ये दोनों बोल्टों को आप टाइट कर देना। ये हमारी चैन टाइमिंग बन चुकी है प्रॉपर, अभी दोनों बोल्टों को यहीं पे लगे हाँ टाइट कर दो। टाइट करने के बाद मैं और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। गन दे, गन ये दोनों बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं प्रॉपर, चैन भी हमारी टाइट ही है ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे को जो पीछे वाले कूलर है ठीक है, इनको खोल के निकाल के ले लेने हैं, और ये वाला कूलर भी निकाल लेना है। इधर देखो, ये वाला कूलर भी जो क्रैंक का है, ये वाला भी निकाल के ले लेना है। प्यार से निकल जाएगा ये आराम से, ठीक है। इसको निकाल के ले लिया, अब इन दोनों को हम खोल के प्यार से ले लेते हैं। टाइमिंग भी दिखाता हूँ आपको, जो खांचा होता है उसका कहाँ पर रखना है। एक, ये तो ये जो दोनों खांचे हैं ठीक है, ये बिल्कुल सीध में आएंगे, मगर यहाँ गैप देख लेना आप, गैप कम होगा ऊपर वाले में, गैप कम होगा, और इसमें भी गैप देखो टूल में कम होगा ठीक है। नीचे ज़्यादा फैला होगा, ऊपर कम फैला होगा, तो ये प्यार से इस तरीके से ये बैठ जाएगा ठीक है। प्रॉपर इस तरीके से यूँ निकालोगे और इस तरीके से यूँ डालोगे, ये आराम से बैठ जाएगा दोनों के अंदर ठीक है। इस तरीके से निकालो, इस तरीके से ये आराम से बैठ जाएगा। अगर गलत होगा, गलत होगी अगर ये घूमी हुई होगी तो ये बैठेगा नहीं कूलर, इस तरीके से ये बैठेगा नहीं। और इस अब क्या करना है हमारे को, इसका पूरा इंजन घुमाना है एक दो राउंड लेके, मगर घुमा के लेना है। हमने चार पांच राउंड इसके ले चुके हैं ठीक है। इसकी जो ऑयल पंप की चैन होती है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, जो ऑयल पंप की है इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है ठीक है। अभी ये बोल्ट खोल के लेंगे, उसके बाद ये वाली लगा के चैन और प्रॉपर इसको फिट कर देंगे, और गाड़ी स्टार्ट भी करके दिखाएंगे आपको। स्टार्ट क्या, पूरी टाइमिंग हमने बता दिया, अब स्टार्ट इसको कल चढ़ाएंगे, और टाइमिंग खाली यही थी। अभी ये बोल्ट लगा के इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती ऑयल पंप की। यही एक वीडियो थी छोटी सी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।